देवी के मंदिर में लोग मुरादे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो भाई देखिए, अभी पापा, मेरे पापा और मैं रील बना रहे हैं। पापा जी देखिए ट्राई कर रहे हैं, एक दो बार कोशिश की है, लेकिन आपने देखा होगा शॉर्ट मेरे पापा ने जो बनाया। और भाई ये कुछ लम्हे हैं जो मैं कैप्चर कर रही हूँ, और अब मैं निकल चुके हैं हमारी पैकिंग वगैरह होने के बाद। देखिए ये मॉर्निंग का मैं आपको दिखा रही हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल चुके हैं। ये बस में बैठे हैं अविका और मैं, और पीछे साईं बाबा के इतने अच्छे भजन सुनाए जा रहे हैं, तो देखिए आप भी सुनिए। आया है और माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जाओ माता रानी आपके बाल बच्चे तुम लगे जाओ। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं, वो रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांगी के साईं बाबा आया हूँ तेरे दर पे सवाल, ओ खुदा की शान तुझ में दिखे, भगवान तुझ में तुझे सम्मानते हैं, तेरा घर जानते हैं, चले आते हैं दौड़े शिरडी वाले साईं। देखिए अविका सो चुकी है, अब हमारा बस स्टैंड भी आने वाला है, उसके चाचू अविका के आगे खड़े हुए हैं। अब मैं इसे उठाती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी ही देर में। और अब भी अविका के पापा हमें मिल चुके हैं, और उन्होंने ली है अविका के लिए और मेरे लिए स्पेशल टिक्की। तो भाई करते हैं एंजॉय स्पेशल टिक्की का। आराम से बैठे, एक देर का अटकला टिक्की में ना छोले भटूरे वाले छोले मिला देते हैं, तो वो ना इसके स्वाद को बहुत दोगुना कर देती है, बहुत ही टेस्टी होती है ये वाली टिक्की। हम ज़रूर यहाँ से निकलते हैं, ज़रूर ये टिक्की इसके पापा हमारे लिए ज़रूर लेते हैं, कभी बाहर जाते हैं तो ज़रूर हम ये टिक्की लेके आते हैं। तो आप भी इंजॉय कीजिए और मैं भी अब इंजॉय करती हूँ टिक्की का। भाई मैंने तो खा ली थी अपनी टिक्की, वो जल रहा था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चट थी। और अब देखिए अविका मैडम जी अभी तक लगी हुई है, ये बहुत ही चिड़िया की तरह खाती है, इसे पूरा घर ही पहुँच जाएंगे शायद इसकी टिक्की ख़त्म हो। Thank you.
तो वे फाइनली आ चुके हैं ससुराल में, और देखिए आते ही मम्मी बेटी काम लग गए हैं। देखिए गाजर ली थी रास्ते में ही, और मावा भी निकाल चुकी है मम्मी। और देखिए, और भाई आज हम पहली बार दूध, और पहले हर बार हमेशा हम गाजर और दूध को एक साथ मिक्स करके बनाते थे, लेकिन इस फर्स्ट टाइम है जो हम मावा अलग से निकाला है और भाई गाजर अलग से चीरेंगे आज। अभी छील के इनको रख, तो भाई आज तो हम छीलने का और इनको ऐसे इनका पिलर से पापड़ उतार देंगे और इनको धो के रख देंगे, कल मॉर्निंग में इन्हें कसेंगे कद्दूकस से। तो भाई आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, और जो नए हैं पहली बार वॉच कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और गाजर का हलवा कैसा बना, कैसे हमने बनाया, देसी स्टाइल में एकदम देसी चूल्हे पर बनाया है। अगर आपको देखना है कि गाजर का हलवा, गाजर की बर्फ़ी ये हमने बनाए हैं, नेक्स्ट व्लॉग को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसीलिए अभी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट व्लॉग का। तो भाई नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, गाजर का हलवा बनाएंगे बिल्कुल देसी स्टाइल में, मम्मी के हाथ का। भाई मेहनत सभी की लगी है और गाजर का हलवा भी सभी खाएंगे, आप भी बनाएं अगर आपने अब तक नहीं बनाया है तो। नेक्स्ट व्लॉग में रेसिपी देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो वही इसी शुभकामना के साथ आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सर्दी से बचे रहें, धन्यवाद।